तो रिस्की है। आई मीन जहाँ जान का खतरा हो वो चीज़ हम क्यों करें। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज प्रिया। सो गाइस, आज का जो वीडियो है वो एक आईब्रो ट्यूटोरियल होने वाला है। जैसे कि वीडियो के टाइटल में आपने देख ही लिया होगा एंड थंबनेल से भी आपको पता चल ही गया होगा। सो गाइस, आज मैं आपके साथ एक ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ, आईब्रो ट्यूटोरियल। एक्चुअली ये कोविड-19 की वजह से हम सारी फीमेल्स को, बहुत सारी गर्ल्स को प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि वो सैलून नहीं जा सकती, पार्लर नहीं जा सकती। आई मीन ओपन तो हो गए हैं बट तो रिस्की है। आई मीन जहाँ जान का खतरा हो वो चीज़ हम क्यों करें। सो आज मैं आपके साथ आईब्रो का ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप चाहो तो आप घर पे खुद से, इवन कि बिना किसी के हेल्प से, आप खुद से अपना आईब्रो बना सकते हो, अपनी थ्रेडिंग कर सकते हो। एज यू कैन सी, मैं क्लोजर से आपको दिखाती हूँ, मैंने अभी जस्ट अपना आईब्रो किया है। मैं ट्यूटोरियल भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो गाइस, प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आई होप आपके लिए ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल होगा। एंड हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। गाइस, ये जो ट्यूटोरियल है वो जिनको आईब्रो बनाना आता है, जो खुद से एक्सपर्ट है, कर सकती हैं, उनके लिए तो वेल एंड गुड है। उन्हें तो आता ही है, बट जिनको नहीं आता है, जो परेशान होती है ना कि कोई मिल जाए जिससे मैं अपनी आईब्रो बनवा लूँ, तो बिल्कुल भी नहीं आता, ये ट्यूटोरियल उनके लिए है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें आपको घर में ही सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप कैसे अपनी आईब्रो को बना सकते हो खुद से ही। इवन आप उसे शेप भी दे सकते हो जिस शेप में आप चाहते हो, बट हाँ, थोड़ी सी केयरफुली आपको करना पड़ेगा। सो गाइस, वीडियो को केयरफुली ध्यान से देखना, पूरा एंड तक देखना, एंड आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स मूव इनटू द वीडियो। सो गाइज, यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, अगर आप मैरिड हो तो आपको अपनी बिंदी निकालने की ज़रूरत है, जैसे कि मुझे। देन बीच में आपका स्टिकी ना रह जाए, फोरहेड पे कहीं पे भी। उसके बाद आप तो अपने छोटे छोटे जो हेयर्स हैं ना, उन्हें हेयर बैंड्स के अंदर कर लो, इनसाइड कर लो, या फिर आप कोई क्लिप लगा सकते हो या फिर हेयर बैंड लगा सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे फोरहेड भी करना था, यहाँ पे कोई छोटे हेयर्स नहीं होने चाहिए बाहर, वरना वो धागे में फंसेंगे। देन अगर आप मेरा फॉर्मूला यूज़ करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे टेप यूज़ करती हूँ अपने तीनों फिंगर्स में, एक हाथ के तीन फिंगर्स में, दूसरे हाथ के भी तीनों फिंगर्स में। तो मैं इस तरीके से टेप यूज़ करती हूँ। इससे क्या होता है, जो धागा आप यूज़ करते हो ना, धागे से मैं करने वाली हूँ, वो आपके फिंगर्स पे कटता नहीं है, अदरवाइज़ वो बहुत ही गंदा सा कट जाता है आपके उंगलियाँ। सो यहाँ पे मैंने थ्रेड लिया है, नॉर्मल थ्रेड लिया है, एक सीज़र लिया है और एक लूज पाउडर लिया है। यहाँ पे थ्रेड को आप अपने हिसाब से कट करके, एंड सबसे पहले तो आप टेलकम पाउडर, जो भी लूज पाउडर है, वो आप अपनी आईब्रोज पे लगा लो। यहाँ पे आप देख रहे हो मैं बाबा बन गई हूँ। सो मैंने यहाँ पे, मुझे फोरहेड भी करना है, अपर लिप भी करना है, इसलिए मैंने पूरा पहले से ही लगा लिया है। एंड देन आपको थ्रेड को लेकर आपस में गांठ बांध के, और जैसे मैं आपको शो कर रही हूँ ना, इस साइज़ का आपको लेकर के, एंड इस तरीके से राउंड राउंड करके एक फिंगर से घुमा के रोल कर लेना है, जैसे कि आप देख रहे हो। एंड देन अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपना आईब्रोज बनाना। आप देख सकते हो अभी मेरी ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं है, बट हाँ, छोटे छोटे हेयर्स हैं, आपके सामने ही मैं करके दिखाऊंगी, आप तो देखोगे। सो गाइज, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ ना, सी, अगर आपको अपनी लेफ्ट वाली आईब्रो का करना है तो आपको अपनी लेफ्ट वाली फिंगर चलानी है, एंड अगर आपको राइट वाली आईब्रो करनी है तो राइट वाली फिंगर चलानी है। इस टाइप से अगर आप देखो, सी मैंने किस तरीके से शेप दिया है अपनी आईब्रोज को, आप देख सकते हो। मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा ही निकाला है, बट एक्स्ट्रा निकालने के लिए भी आपको सबसे पहले शेप देने की ज़रूरत होती है। सो इस तरीके से मैं थ्रेड से, आप देख सकते हो किस तरीके से मैं अपने आईब्रोज को शेप दे रही हूँ, आप भी इस तरीके से ट्राई कर सकते हो। एंड गाइज, यहाँ पे हमारी जो स्किन है लूज़ होती है, एज यू नो कि ये जो पार्लर वाले होते हैं, पार्लर वाली होती हैं फिर सैलून वाली, वो आपको बोलते हैं स्टिच करने को, बट यहाँ पे आप अपने हाथ से ही कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा केयरफुली यहाँ पे काम करना पड़ेगा कि जो अभी आपकी स्किन है लूज़ होती है, बहुत ही हल्की होती है, तो उस पर वो धागा लगे नहीं, वरना आपकी स्किन कट सकती है। तो अगर आप अपने हिसाब से जैसे भी स्ट्रेच करना चाहो, जैसे कि मैंने किया है अपना माथा से घोड़ के, वैसे आप भी कर सकते हो। सो इस तरीके से धीरे धीरे आपने जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं ना, अभी तो मेरी बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी जैसे कि मैंने आपको बताया, तो मैं धीरे धीरे जो मेरे छोटे छोटे हेयर्स हैं मैं उन्हें रिमूव कर रही हूँ, आप अभी आगे देखोगे। सो गाइस, इस तरीके से आप घर बैठे सैलून गए बिना भी आप अपना आईब्रो सेट कर सकते हो, जैसे आप कंफर्टेबल हो। बहुत लोग धागे से नहीं होते हैं, बट मैं प्रेफर करती हूँ धागा, इसलिए क्योंकि इनकी ग्रोथ जल्दी नहीं आती है, जैसे कि पार्लर में हम करवाते हैं, सैलून में हम करवाते हैं। एंड देन मैं अगेन यहाँ पे शेप दे रही हूँ, आप देख सकते हो, पहले मैंने सीधा लेकर, एंड सी इस तरीके से आपको अपनी आईब्रो को शेप देना है, एंड थोड़ा सा आपकी आईब्रोज को टाइट करना है, एंड ये हो गया आपका, यस।
इस तरीके से आपको अपने छोटे छोटे हेयर्स करके एक दो करके आपको हेयर्स निकालने हैं एंड बहुत ही केयरफुली आपको करना है, आपको मिरर सामने रख के करना है जैसे कि मैं कर रही हूँ। सामने मैंने एक बड़ा सा मिरर रखा हुआ था जिसमें मैं क्लियरली देख कर अपनी आईब्रोज कर रही थी। उसके बाद यहाँ से फिर मैं ऊपर के पार्ट में कर रही हूँ, ऊपर के पार्ट में भी आपको सेम करना है। आपको अगर लेफ्ट वाले आईब्रोज पे आप कर रहे हो तो आपको लेफ्ट फिंगर यूज़ करना है, मतलब मूवमेंट जो है ना वो लेफ्ट फिंगर का करना है, एंड अगर राइट में कर रहे हो तो राइट फिंगर्स की मूवमेंट करनी है। एंड गाइज जो यहाँ पे मैंने टेप सेलो टेप अपने फिंगर्स पे लगा रखा है, अभी आपको समझ में आ रहा होगा ना कि मैंने क्यों लगा रखा है, क्योंकि जब भी हम स्ट्रेच करते हैं ना थ्रेड तो वो हमारी फिंगर्स ना कट जाती हैं। तो ये मेरा फॉर्मूला है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर ट्राई करना और बताना कि कैसा लगा। सो यहाँ पे मैं कटिंग करने के लिए जो फ्रंट पे हेयर्स लंबे होते हैं ना उन्हें कट करने के लिए मैं सीज़र का यूज़ कर रही हूँ। एज यू कैन सी बहुत ही आपको केयरफुली बहुत ही बारीकी से करना है, ज़्यादा हेयर नहीं कट करने हैं आपको। अपनी लेंथ एंड ग्रोथ के हिसाब से, अपनी आईब्रो के हिसाब से आपको अपनी हेयर कट करनी है। सो मैंने यहाँ पे कट कर लिया है, आप देख सकते हो, सी आप डिफरेंस देख सकते हो ना मेरी फर्स्ट एंड सेकेंड आईब्रोज में। एंड गाइज जो मेरी सेकेंड आईब्रो है उसमें ना एक कट है बीच में, एक्चुअली वो नेचुरल तो नहीं कह सकते, बचपन में चोट लगी थी। सो या आप उसको इग्नोर करना। सो ये देखिए मैं अपनी दूसरी आईब्रो पे भी शेप दे रही हूँ, किस तरीके से आप देखना, इसी तरीके से आप भी अगर शेप दोगे ना तो आपकी आईब्रोज एकदम परफेक्ट एकदम शेप में आएगी जैसे कि आप सैलून में बनवाते हो। एंड गाइस सी यहाँ पे मैंने राइट आईब्रोज के लिए मैंने राइट फिंगर यूज़ किया है, आप देख सकते हो मैंने राइट आईब्रोज के लिए अपनी राइट फिंगर्स का मूवमेंट किया है। एंड शेप के लिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से अगर आप ट्राई करोगे ना, यू कैन सी अभी जस्ट मैंने आपके सामने दिखाया कि मैंने ये देखिए मैंने, क्योंकि मेन जो शेप होता है ना वो फ्रंट से ही होता है, फ्रंट से अगर शेप ख़राब हो जाता है तो आपकी पूरी आईब्रोज ही फिर अच्छी नहीं लगती हैं, राइट। तो इस तरीके से मैं एक एक दो दो करके अपने सारे हेयर्स निकाल रही हूँ। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो स्किन होती है बहुत ही हल्की होती है, बहुत ही लूज़ होती है वहाँ यहाँ के एरिए पे, तो थोड़ा सा टाइटनिंग की ज़रूरत है। तो आप बहुत ही उसका जो हाथ का मूवमेंट है ना बहुत ही लाइट रखना, बहुत ही हार्ड मत रखना, क्योंकि वो आपकी स्किन खिंच के वो धागे में आ सकती है, फिर आपको कट लग सकता है। सो जिस तरीके से मैं कर रही हूँ अगर आप ट्राई करोगे तो बहुत ही परफेक्टली आप कर सकते हो। एज यू कैन सी मैं एक एक दो बाल को टारगेट कर रही हूँ और उन्हें रिमूव कर रही हूँ, देन आफ्टर दैट मैं पहले शेप दे रही हूँ, उसके बाद में जो छोटे छोटे हेयर्स हैं ना मैं उन्हें बाद में निकालूंगी, सबसे पहले मैं शेप दे रही हूँ। अगेन सेम थिंग मैं अपर वाले राइट वाले अपर आईब्रो में भी कर रही हूँ। एज यू कैन सी मैं राइट फिंगर ही यूज़ कर रही हूँ, जैसे पार्लर में आप देखते हो ना कि आपकी जो राइट वाली आईब्रोज है वो फ्रंट से बनाते हैं एंड जो लेफ्ट वाली है वो बैक साइड से बनाते हैं। सो डिफरेंस आप देख सकते हो आपके सामने है। एंड गाइज अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने फेशियल भी आपके साथ कैसे घर पे फेशियल कर सकते हैं इंस्टेंट ग्लो के लिए, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, वो भी आप जाके जरूर चेकआउट करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी। एंड यहाँ पे भी मैंने अपनी फ्रंट की जो लेंथ है उसको कट करने के लिए सीजर का यूज़ किया है एज यू कैन सी। एंड बीच में ही जो कट है इसे इग्नोर करना, इसे आप आईब्रो के शेप में मत लेना। सो या देन मैं अपना फिर फोरहेड कर रही हूँ, क्योंकि मैं फोरहेड भी करना प्रेफर करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है अपनी फोरहेड क्लीन। गाइज यहाँ पे मेरा धागा टूट गया। एंड मेक श्योर कि आप ना पहले से ही अपने दो तीन धागे ना बांध के रखो, कट करके रखो अपने शेप का, ताकि आपको बीच में ना फिर प्रॉब्लम ना हो। सो इस तरीके से मैं अपना फोरहेड भी कर ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में कर दिया है वीडियो, सो प्लीज़ इग्नोर इट वीडियो, क्योंकि बहुत लंबी हो जाती, बस मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे किया है किस तरीके से आप अपना थ्रेड यूज़ करके सिलाई का ही धागा है आप देख रहे हो, मैंने कोई स्पेशल धागा भी नहीं यूज़ किया है कि मैंने आईब्रोज के लिए दूसरा जो आईब्रो का धागा होता है मैंने वो यूज़ किया, मैंने नॉर्मल सिलाई का धागा जो घर में सबके अवेलेबल होता है वही मैंने यूज़ किया है। एंड सेंटर पार्ट में भी जैसे हम बिंदी लगाते हैं ना तो बीच में यहाँ भी हेयर्स होते हैं ना तो बिंदी लगाने में दिक्कत होती है, तो यहाँ पे भी आप ऐसे रिमूव कर सकते हो। एंड गाइस मैं फोरहेड करने जा रही हूँ। फोरहेड के लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी टंग से अपने अपर लिप एरिया को स्ट्रिच करना है ताकि वो थोड़ा टाइटिंग सा रहे, जैसे कि आप देख रहे हो ना कि वहाँ से हेयर्स निकालने में दिक्कत नहीं होती है। एंड अगेन मैं वही चीज़ कहूँगी कि आपको पेन भी कम होता है। एंड लूज पाउडर आप ज़रूर पहले यूज़ करना है, क्योंकि लूज़ पाउडर से ना आपके हेयर्स निकलने में प्रॉब्लम ही होती। सो सी मैंने किस तरीके से अपना पूरा फेशियल हेयर रिमूव कर लिया है। देन आप पहले अपनी फिंगर से अपना टेप रिमूव कर सकते हैं। एंड गाइज यहाँ पे मैंने एलोवेरा जेल यूज़ किया है। एंड बहुत सारे लोग मॉइस्चराइजर प्रेफर करते हैं, बट मैं एक्चुअली एलोवेरा जेल ही प्रेफर करती हूँ समर्स के टाइम में, क्योंकि ये बहुत ही कूलिंग सेंसेशन देता है। अगर आप चाहो तो आप आइस क्यूब भी यूज़ कर सकते हो। आइस क्यूब भी आपकी जैसे कि बहुत लोगों के ना आईब्रोज पे ना छोटे छोटे दाने निकल आते हैं आईब्रो के बाद में, तो वो चीज़ नहीं होती, या फिर आप जेल यूज़ कर सकते हो एलोवेरा का, या फिर आप जैसे कि आपने देखा मैंने अपने फेस पे भी अप्लाई कर लिया। सी द डिफरेंस, मैंने अपर लिप भी कर लिया, आईब्रो के भी कर लिया।
सो ये रहा मेरा आईब्रो एट होम। सो गाइज देखा आपने, कैसा लगा आपको? इजी है ना? बहुत इजी तो नहीं कह सकते, जिनको नहीं आता है, जो एक्सपर्ट है मेरी तरह उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, बट जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है आईब्रो बनाना, थ्रेड चलाना, तो उन्होंने आई थिंक ये ट्यूटोरियल देखकर उन्होंने सीख लिया होगा कि कैसे हम अपने आईब्रोज को घर बैठे ही बना सकते हैं। एंड आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो। आप इन्हें एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, रिजल्ट आपके सामने है। मैंने अभी जस्ट अपनी आईब्रो खुद से बनाई है। एक्चुअली हम सब सैलून ही प्रेफर करते हैं, बट अभी COVID-19 की वजह से अभी सैलून में जाना बहुत ही रिस्की है, और जहाँ पे जान का खतरा हो वो चीज़ हम क्यों करें, राइट? और बात सिर्फ आईब्रोज की नहीं है, यहाँ पे बात आपके मेकअप फेशियल की भी है। सो गाइज आई थिंक अभी तक आपने मेरा फेशियल वाला वीडियो नहीं देखा है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। सो गाइज मैंने आपके साथ एक इंस्टेंट ब्राइटनिंग फेशियल भी शेयर किया है अपने चैनल पे। अगर आपने मेरा वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं आई बटन पर दे दूंगी लिंक, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने आपके साथ पूरी डिटेल शेयर करी है कि कैसे आप घर पे इंस्टेंट ग्लो पा सकते हो अपनी किचन की चीज़ों को यूज़ करके। सो गाइज फॉर मोर अपडेटेड वीडियोज यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। सो गाइज विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।